ये मोबाइल है दोस्तों सैमसंग बी 110 मोबाइल, ये देखिए दोस्तों जिसमें प्रॉब्लम है इसकी डिस्प्ले वाइट आ रही है, दिखाते हैं। ये देखिए ये एक दुकान पे दिखाया भी गया है जिन्होंने जिस कंपोनेंट से डिस्प्ले वाइट होती है उस कंपोनेंट को रिमूव भी किया है, दिखाते हैं। एक यहाँ से कंपोनेंट रिमूव है, एक इस जगह से कंपोनेंट रिमूव है और एक यहाँ से रिमूव है, फिर भी इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं हुआ है। डिस्प्ले चेंज करके देगी, अब आपको क्या करना है दिखाते हैं। ये ना तो समस्या डिस्प्ले चेंज करने से होगी तो ना ही ये वाले कंपोनेंट निकालने से। ये यहाँ से ये जो पिन है तीन, ये तीनों अगर ग्राउंड हो जाती हैं तब ये कंपोनेंट निकालने से इस समस्या का सॉल्यूशन होता है। अभी ये ग्राउंड नहीं हुई है तो ये समस्या कहाँ से आ रही है आपको हम दिखाते हैं। आपको क्या करना है, एक छोटा सा जंपर करना है, इस समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। और जंपर कहाँ से लेके कहाँ तक करना है दिखाते हैं। इधर साइड से एक नंबर, एक नंबर से लेके चौथे चार नंबर पिन पे एक जंपर करना है। यहाँ से लेके जंपर कहाँ करना है दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों चौथे नंबर पे जंपर हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसे इधर से निकाल देना है। इस साइड यहाँ आपको जंपर देना है, कहाँ पर दिखाते हैं। ये डायोड लगाए, डायोड के बगल में इसके पास में जो कैपेसिटर लगा है उसके इस वाले सिरे से जंपर देना है, दिखाते हैं अभी आपको जंपर देके और इस समस्या का सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है दिखाते हैं। ये देखिए इस कैपेसिटर के इस वाले सिरे से जंपर दे दिया है, अब देखते हैं समस्या का सॉल्यूशन होता है या नहीं होता है। इस जगह से चौथी पिन पे जंपर दिया है, और ये देखिए दोस्तों इस समस्या का सॉल्यूशन हो चुका है। आपको एक बार फिर दिखा देते हैं वो जंपर हटा के और आपको बताते हैं। हटा दिया मैंने, और ये देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरफ से चौथे नंबर पिन पे जंपर लगाना है और यहाँ से लेके इस वाले डायोड डायोड के बगल में जो कैपेसिटर लगा है इस वाले कैपेसिटर पे जंपर लगाना है, इस समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपके पास इस प्रकार सेट आता है दोस्तों तो आप इस तरीके से इस समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।